नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। विपक्षी पार्टी सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि कुर्सी के चलते बिहार के विकास को अनदेखा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, पलटू राम तक ये कुर्सी पहुंचा देना, इस कुर्सी की खातिर उसने अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान, नीति नियम, नियति, विचार, सिद्धांत और जमीर बेचा है। लालू यादव ने अपनी पार्टी राजद का एक चुनावी वीडियो शेयर किया है। अरे चाचा, अब कहाँ जा रहे हैं कुर्सियां लेकर? बबलू की शादी वादी पक्का कर दिए का? ये का कह दिया बिटवा? अरे बबलू की शादी तो तब हो जब कोनो काम धंधा हो। ये कुर्सी तो ले जा रहे हैं हम अपने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की खातिर। मुख्यमंत्री की खातिर? ये बात कुछ समझ नहीं आई चाचा। और का, 15 बरस हो गए ये देखते देखते। अरे इस कुर्सी की खातिर बिहार बेहाल हो गए। अरे बच्चों की पढ़ाई, बीमारों की दवाई, जवानों की नौकरियाँ, किसानों की खुशहाली सब भेंट चढ़ गए ये कुर्सी के लालच में। ये बात बिल्कुल पते की बोली चाचा। ये कुर्सी ने बिहार का विकास रोका, इसलिए जा रहे हैं ये कुर्सी लेकर नीतीश कुमार के पास कि ए लो भैया विराजो, बैठो आराम से घर के हाथ पे हाथ और हमारे बिहार का पीछा छोड़ो। अब हम तो चलेंगे उसी के साथ जो चले जनता के साथ। बिल्कुल ठीक बात कहे चाचा। अच्छा चाचा, राम राम। फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।